बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव बनने के लिए वातावरण पूरी तरह से अनुकूल हो गया है। उत्तर उड़ीसा और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान इसे और अधिक दबाव में बदलने की संभावना है। मॉनसून ट्रफ लाइन काफी सक्रिय है। इसके प्रभाव से मंगलवार को तटीय उड़ीसा समेत उत्तरी उड़ीसा के कुछ जिलों में वर्षा शुरू हो गई है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पुरी, गंजाम, खुदरा, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, ढेंकानाल, केदुझर, सुंदरगढ़, रायगढ़, मलकानगिरी, कोरापुट और कालाहांडी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक उड़ीसा के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ स्थानों पर 70 से 200 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, बालागिर, गंजाम और गजपति जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि इन जिलों में फ्लैश फ्लड होने की संभावना है। इससे दृश्यमान दूरी कम हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम हो सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी गिर सकती है। मौसम विभाग केंद्र ने कच्ची सड़कों और कच्चे घरों के प्रभावित होने को लेकर चेतावनी भी जारी की है। उड़ीसा में पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्षा होने के कारण नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। ये जानकारी मंगलवार को जल संसाधन विभाग के प्रमुख इंजीनियर ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिक वर्षा राज्य के लिए अच्छी है। उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य के जल भंडारों की स्थिति ठीक नहीं है। हीराकुद जल भंडार में 600.05 फीट पानी है, जो पिछले साल से 14 फीट कम है। रेगाड़ी डैम 4.6% पर है। पिछले वर्ष इस समय यहां जल स्तर 14% था। मलकानगिरी के माचकुंड डैम का अभी तक एक भी गेट नहीं खोला गया है। माचकुंड जल भंडार में 2721 फीट पानी है। मलकानगिरी में स्थिति नियंत्रण में है।